पर आइए अब आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 10। आज एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान होगा। शाम 5:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर सवाल उठाए और कहा कि गोपाल कृष्ण गांधी ने मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेनन को फांसी से बचाने का समर्थन किया था। कांग्रेस ने कहा कि गोपाल कृष्ण गांधी अहिंसावादी है, इसलिए उन्होंने फांसी का विरोध किया। गोपाल कृष्ण गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर याकूब की फांसी रोकने की अपील की थी। याकूब मेनन को 30 जुलाई 2015 को फांसी दी गई थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश भर में 32 केंद्रों पर वोटिंग जारी है। सुबह पीएम मोदी अमित शाह ने संसद के कमरे नंबर 62 में वोट डाला। कुछ देर पहले संसद भवन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी समेत कई सांसदों ने वोट डाला। सभी राज्यों की विधानसभा में भी वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने भी वोट डाला। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जीतना तय है। 20 जुलाई को फैसला आएगा और आज से मानसून सत्र भी शुरू हो गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि रामनाथ कोविंद सम्मानजनक अंतर से जीतेंगे। कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया। मायावती ने कहा कि कोई भी जीते राष्ट्रपति दलित होगा, इसकी उन्हें खुशी है। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, किसी एक दल या जाति का नहीं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी संसद भवन में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि आज का दिन बेहद अहम है, रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय है। अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की कांग्रेस की अपील मीरा कुमार की बजाय रामनाथ कोविंद के लिए मददगार साबित हो रही है। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर में फायरिंग की। भारतीय सेना के जवान नायक मुदस्सर अहमद शहीद हो गए। शहीद मुदस्सर जिस बंकर से मुकाबला कर रहे थे, पाकिस्तान ने वहां मोर्टार से हमला किया। 37 साल के मुदस्सर अहमद पुलवामा के रहने वाले थे। फायरिंग में एक 12 साल की बच्ची की भी मौत हुई। फायरिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई। रजौरी सेक्टर के कुछ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई। भारत ने कहा सभी सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान ने शुरू किए। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और कहा कि शांति बनाए रखने के लिए जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत अब सिर्फ एक फूल से किया जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने कहा कि पीएम को खादी का रुमाल और किताबें भेंट करना भी बेहतर विकल्प होगा। पीएम खुद कह चुके हैं गिव अ बुक इंस्टेड ऑफ अ ब्यूक बुके। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल फरीदाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी। सराय ख्वाजा बाजार की ये तस्वीर 11 जुलाई की है। खुले मैनहोल में एक घंटे में 12 लोग गिरे। तस्वीरों में बाइक सवार महिला के गोद से एक बच्चा मैनहोल में गिरते गिरते बचा। जेसीबी को बुलाया गया और सड़क पर जमा पानी हटाकर मैनहोल का ढक्कन लगा दिया गया। बाढ़ से देश के कई राज्य प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे के अंदर कई इलाकों में बारिश की चेतावनी है। उड़ीसा के कालाहांडी में भारी बारिश हो रही है और बाढ़ की वजह से NH-26 पर यातायात ठप है। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।